हेलो स्टूडेंट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने प्रोग्राम वाइज अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपनी प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट जारी की है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा हाई कम मार्क्स किसके हैं, आपकी पोजिशन कहाँ पर है, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, जिसके अंदर 12% सीटें SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, सॉरी OBC के लिए 12% है और जनरल IEEE और आप देख सकते हैं SC ST कैटेगरी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स किसके हैं, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, उसके बेसिस पे अब आप अपना एडमिशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जिन बच्चों को सीट मिलने के लायक है मार्क्स, तो उन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अलॉट में रिलीज कर देगी कि इन बच्चों का एडमिशन हो चुका है। ओके, और ये जो है ये फाइनल इतने बच्चों ने अप्लाई किया है ये उसकी लिस्ट है, ठीक है। ऐसी मत समझना बच्चे कि हमारा एडमिशन हो गया है कंप्यूटर साइंस CSE के अंदर, हमारा नाम आया, देखो हमारे इतने मार्क्स हैं। हाँ, जो ये फर्स्ट बच्चा है संजीत श्रीवास्तव, इसका हो जाएगा, ठीक है। जो इसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एटलीस्ट जो है जनरल, ये जो कैटेगरी है जनरल लाइट के, ये IEEE है, ये OBC है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मौका दिया जाएगा। जिसका SC ST है उसके कम मार्क्स भी है तो चलेगा, जिसके जनरल है उसके कम है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो SC ST वालों के तो जो कम मार्क्स है उस पर हो जाएगा, लेकिन जनरल IEEE OBC उसको थोड़ा मार्क्स हाई रखना पड़ेगा। यार बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, आप देख सकते हैं 49 पेज है, ठीक है, तो 49 पेज कम नहीं होता वैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो यार जिनके मार्क्स के बेसिस पे अभी जस्ट अलॉटमेंट आ जाएगा, शाम तक आप वेट कर सकते हो। फीस पेमेंट कितना है, कितना नहीं देना है, कहाँ पे देना है, उसकी अपन फर्दर वीडियो में बना रहा हूँ। ओके, 7 तारीख तक का टाइम है, आप 7 तारीख तक यूनिवर्सिटी को अपना फीस और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप अपना नाम लिस्ट वगैरह चेक कर लें, ठीक है, और जिसके 250 प्लस मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे 250 प्लस मार्क्स हैं। ओके, तो उसका गारंटेड एडमिशन हो जाएगा BTech CSE के अंदर। ऐसे ही सारे प्रोग्राम PG के लिए आप देख सकते हैं, जैसे PG केमिस्ट्री है, PG मैथमेटिक्स है, इसका भी बहुत ज़्यादा बोलबाला है कोर्स का। तो PG मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट्स ओके स्टूडेंट, तो PG प्रोग्राम के अंदर तो ऑलमोस्ट ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और ऐसा नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम नहीं आता है तो आप उदास ना हो, सेकंड अलॉटमेंट भी रिलीज किया जाएगा, देन उसके बाद थर्ड भी होता है, देन उसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग होती है जिसके अंदर आप फर्दर अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो जस्ट आप अपना अदर जो बेस है, जो CSE BE जो भी है, आप उस पर टारगेट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा साल खत्म हो चुका है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।